focus. Ideate. Innovate. Enable. क्लब महिंद्रा प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग में हिमालयास का सफर अभी भी जारी है। इस हफ्ते मैं आपको ले जाऊंगी खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट के जूल सिक्किम। घूमेंगे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जाएंगे शानदार मॉनेस्ट्रीज, करेंगे पैराग्लाइडिंग और देखेंगे एक बेहद खूबसूरत सनराइज ताशी व्यू पॉइंट से। देश के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है सिक्किम। यहाँ के अधिकतर लोग बुद्धिस्ट हैं और इसीलिए सिक्किम में ढेरों मॉनेस्ट्रीज हैं। ऊंची नीची सड़कें और उन्हें क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर्स। चारों तरफ फूल और खूबसूरत पहाड़। हम हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। बगडोगरा एयरपोर्ट से 125 किलोमीटर दूर 5 घंटे का सफर तय करके आप गैंगटॉक पहुंच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट से गैंगटॉक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं। सिक्किम में अपने सफर की शुरुआत हम करेंगे दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पीक के नज़ारे से, जो हमें मिलेगा ताशी व्यू पॉइंट से। गैंगटॉक से 8 किलोमीटर दूर है ताशी, और यहाँ इस पॉइंट से बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा। एक सर्कुलर पॉइंट खास बनाया गया है यहाँ से पहाड़ों को देखने और फोटोग्राफी करने के लिए। यहाँ का सनराइज आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, लेकिन वो नजारा देखने के लिए आपको सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचना होगा। ताशी के नज़ारों के बाद अब हम दर्शन करेंगे यहाँ की मॉनेस्ट्री के, और मेरी पहली मॉनेस्ट्री है अनिगुंबा मॉनेस्ट्री। अनिगुंबा ननरी मॉनेस्ट्री, एक ऐसा जीवन, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। हमारी भाग दौड़ वाली चकाचौंध वाली जीवन से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जहाँ पर शांत मन वाले लोग रहते हैं। यानी अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट बनाने की जगह, वो जगह जहां आपको शांति और ताकत मिले लोगों के लिए काम करने के लिए। और ऐसे ही कुछ इरादों के साथ यहां दुनिया भर से बच्चे और बड़े लोग आते हैं, मॉन्क की तरह अपना जीवन जीने की ठान लेते हैं। ऐसे ही दो लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। आपकी जगह, यहाँ मुझे इनके जीवन और इनके रूटीन को करीब से जानने का मौका मिला। बहुत सारी रंगों भरी लेकिन शांति का एहसास देती ये सराउंडिंग्स बहुत कुछ सिखा जाती है। यहाँ आए बच्चों को बुद्धिस्ट मॉन्क बनने की शिक्षा लेते देखना और यहाँ की प्रेयर्स किसी को भी खुद के जीवन के बारे में विचार करने पर मजबूर कर देगी।
अब हमारी सवारी चली है गैंगटॉक की ओर। हिमालयास की एक खास बात है, जिस भी रास्ते आप जाएं, आपको लगेगा कि रुक कर कुछ फोटोज खींच लें। बाकी पहाड़ों के नज़ारे, उनसे गुजरती टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बेहद अच्छी लगती है। छह हजार पांच सौ फीट की ऊंचाई पर है ये गणेश टोक। ये मंदिर टूरिस्ट में काफी पॉपुलर है। यहाँ लोग गणपति की पूजा करने और नजारों का मजा लेने के लिए पहुंचते हैं। नॉर्थ ईस्ट कहे या फिर यूं कहें कि हिमालयस की एक और खासियत है, यहाँ का फ्लोरा और फौना, यानी कि पेड़ पौधे और फूल बेहद खूबसूरत हैं। हिमाचल हो या फिर हिमालयस, यहाँ एक और भी खासियत है, मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स को उगाना इनके कल्चर में शामिल है, और ये आप सब कुछ देख सकते हैं सरमसा गार्डन्स में। सिक्किम जाना जाता है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्लावर्स और जड़ी बूटियों के लिए, और इन सब को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सरमसा गार्डन्स में। कूकती हुई कोयलों की आवाजों के साथ ये हरा भरा बाग बेहद खूबसूरत लगता है। हिमालयस के इस हिस्से में होने वाले जानवरों को भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ की वेजिटेशन, हर चीज का अंदाजा आपको यहाँ लग जाएगा, और इस जगह पर घंटों बिताए जा सकते हैं। मैंने अपने फोन में यहाँ के कुछ खूबसूरत फूल कैप्चर किए हैं। मुंबई में इन्हें देख देख कर पहाड़ों की खूबसूरती महसूस कर लूंगी। खूबसूरत आसमान चूमते पर्वतों का नजारा समेटे है क्लब महिंद्रा गैंगटॉक। सिक्किम का ट्रेडिशनल आवभगत और आजकल के सारे आराम का सही मिश्रण आपको यहाँ मिलेगा। इस रिजॉर्ट को रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया है और ये बेहद प्रभावशाली लगता है। ट्रैवल लॉग के सफर में क्लब महिंद्रा की ढेर सारी प्रॉपर्टीज में ठहरने के बाद नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज विच वन इज माय बेस्ट, पर उनकी बहुत सारी वैली फेसिंग प्रॉपर्टीज में से वन ऑफ इट्स काइंड प्रॉपर्टी है क्लब महिंद्रा गंगटॉक। आई थिंक इट्स रियली ब्यूटीफुल, जस्ट बाय द फुट हिल्स ऑफ अमेजिंग माउंटेन रेंज। ऐसा लगता है कि बादलों की चादर तले ये पर्वत घंटों तक सो रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट कीप स्टेयरिंग एट देम। आसमान को छू लेने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वतों का नजारा समेटे क्लब महिंद्रा गैंगटॉक। सिक्किम का ट्रेडिशनल स्टाइल वेलकम और परफेक्ट रिजुविनेशन आपको यहाँ मिलेगा। इस पूरे रिजॉर्ट को इतने रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट लुक्स सो मैजेस्टिक। यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ, पहाड़ों के साथ आंख में चोली खेलते बादलों के नजारे का मजा
लेने के साथ आप लकी हैं तो आपको कुछ मधुर संगीत भी सुनने को मिल सकता है, जैसे मुझे मिला। रिजॉर्ट के अंदर खेल कूद का सारा इंतजाम है, फिर चाहे बच्चों के लिए हो या फिर बड़ों के लिए। और फिर बारी आती है सिक्किम के खाने की। वैसे रिजॉर्ट में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, तो अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पसंद करते तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सुंदर और शांत क्लब महिंद्रा गैंगटॉक। मिस्टर मोले चैटर्जी, वेलकम टू इंडिया ट्रैवल लॉग। थैंक यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। सो सर, टेल मी व्हाट इज सो यूनिक अबाउट क्लब महिंद्रा गैंगटॉक। आवर रिसॉर्ट इज परफेक्टली ब्लेंड विद the local traditional charms with Sikkimese hospitality with the modern comforts. Tell me, what do you do in terms of activities for the guests who come and stay here at Club Mahindra Gangtok? The resort has got many activities like playing guitar on the terrace, having bonfire on the lawn in the evening, doing some lot of songs, the family dance, a lot of indoor activities. One can go the trekking in the village in the town. We can see the nature and abundance of this resources of this place. All Club Mahindra resorts are involved in various things and CSR activities. I would like to know, Club Mahindra Gangtok is involved in what kind of CSR activity? We at the resort at Club Mahindra here, we are last for 7 years and we are continually doing a lot of CSR activities like conducting a health camp, conducting eye checkup for the villagers. We do campaigns for that Swachh Bharat Abhiyan. At the same time, we also have installed 2 water filtration plant, which actually gives the pure and filtered drinking water to the villagers. Okay, that's fantastic. So that their daily life, it gets improved, so they don't have no disease. Thank you, Mr. Mulai, for joining us on India Travel. Thank you so much. Thank you. यहाँ की सबसे मानी हुई मॉनेस्ट्रीज में से एक है चौटिल। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुंच सकते हैं। ये विशाल स्तूपा है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी के पास एक पहाड़ पर। द चौटिल स्तूपा का ये गोल्डन डोम गंगटॉक के कई जगहों से दिखाई देता है। सिक्किम के लोगों के लिए चौटिल एक बहुत ही खास और अहम जगह है। माना जाता है कि 108 माने को अगर क्लॉकवाइज घुमाकर 3 चक्कर लिए जाए तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है। आई एम गोइंग टू ट्राई दैट नाउ। यहाँ एक बड़े से आंगन के बीच है गुम्पा, जिसके चारों तरफ बने हैं 108 माने। इन मानों पर मंत्र लिखे होते हैं। इन 108 मानों को घुमाने और ईश्वर से अपनी मुराद मांगने और शांति की प्रार्थना करने लोग यहां आते ही रहते हैं। ईस्ट सिक्किम की सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज में से एक है रंका मॉनेस्ट्री, और यहां पहुंचने के लिए आपको कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी होगी।
गैंगटॉक से करीब 20 किलोमीटर दूर ये मॉनेस्ट्री ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बैकड्रॉप के साथ बेहद सुंदर लगती है। यहाँ बाहरी दीवार पर माने लगे हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अंदर जा सकते हैं। ये काफी बड़ी और खुली मॉनेस्ट्री है। यहाँ इन छोटे छोटे लामास को पढ़ाई करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा। सिक्किम जितना मशहूर अपनी शांति और मॉनेस्ट्रीज के लिए है उतना ही मशहूर है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। सिक्किम में खास पैराग्लाइडिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ हजारों फीट की ऊंचाई से कूदकर हिमालयन रेंज की एक पैनोरामिक व्यू के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ ट्रेन्ड प्रोफेशनल पायलट्स आपके साथ इस राइड पर जाएंगे। एक अजीब सा एहसास, हवाओं से बात करने की चाह और खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर दुनिया को एक अलग अंदाज में देखने की तमन्ना पूरी करनी है तो आप ये जरूर ट्राई करें। गैंगटॉक आकर आपको पैराग्लाइडिंग जरूर करना चाहिए। ये एक जीवन भर का एहसास है, ये एहसास आप बार बार नहीं कर सकते हैं। और जब आप आएंगे तो एंथनी को जरूर पकड़िएगा, ही इज अमेजिंग। हमारे आज के सफर का आखिरी पड़ाव है एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, जो गैंगटॉक में शॉपिंग के लिए वन स्टॉप शॉप जगह है। ये चमचमाती दुकानें आपको अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ हर समय इसी तरह का मेला लगा रहता है और हल्की सी बारिश ने इस शॉपिंग को और भी मजेदार बना दिया है। यहां आप जी भरकर शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे यहां सिक्किम की कुछ खास चीजें पसंद आई, जैसे ये ढक्कन वाले कप्स। सिक्किम है ही इतनी खूबसूरत जगह कि यहाँ हमेशा रह जाने का मन करता है, पर आज के शो में मुझे आपसे लेनी होगी विदा। बट डोंट वरी, आई विल मीट यू अगेन। मैं आज का गुरारी आपको ले जाऊंगी एक नए शानदार लोकेशन पर। टिल देन यू पैक योर बैग्स एंड आई विल सी यू ऑन द सेम टाइम सेम चैनल। देखते रहिए CNBC आवाज़।